हाँ हाँ मैं करता दी एक बार है कोई चर्चा कर लो पर असीं अपने वायदे ते रहांगे और अपने हक पूरे लेके सारे आउणगे जी लवांगे पहली तरीक नूं जे हुकूमत ने बादल सैनी सुखबीर ते बाकियां नूं बेअदबी दे मामले दे विच छेती तो छेती गिरफ्तार ना कीता। जिहड़ी SIT है उन्हां दे कोले 161 दे बयान सारे गवाहां दे हैगे है, दोबारा लैण दी लोड़ नहीं है। जे हुकूमत चाहूगी 4-5 दिनां च चलान अदालत विच पेश हो के इन्हां सारयां नूं गिरफ्तार कर सकदी है। शहीद करता है ये 3 दिनां दे अंदर फैसला ना कीता तां श्रोमणी अकाली दल अमृतसर हुण आखरी मोर्चा लाऊगी 1 जून नूं 1 जुलाई नूं। बादल शादल सैनी सुखबीर सिंह इन्हां दी गिरफ्तारी होवे और इन्हां नूं हुकूमत सिख कौम दे अगे हाजर करे। असीं इहदे वचनबद्ध हैं ते अपना वचन पुरजावांगे ते तुहाडा मैनूं साथ चाहीदा है। कोविड दी बीमारी है, असीं कोई कट नहीं करदे, सिर्फ सारे जिलिआं तों 11-11 सिंह जिथे मोर्चा लगूगा ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 11 ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਜੀਏ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸੈਣੀ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 161 ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੂਗੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ
ये 30 दिनों के अंदर अंदर फैसला ना किया तो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर हम आखिरी मोर्चा लाऊगी 1 जून को 1 जुलाई को मोर्चे जी होने 1947 के 60 के सरत जरनैल सिंह भिंडरांवाले वर्गा मोर्चा बिल्कुल जो टुट नहीं सकूगा कि बादल शादल सेड़ी सुखबीर सिंह इन्हां की गिरफ्तारी होवे और इन्हां नूं हुकूमत सिख कौम दे अगे हाजर करे। असीं इहदे वचनबद्ध हैं ते अपना वचन पुरजावांगे ते तुहाडा मैनूं साथ चाहीदा है। कोविड की बीमारी है असी कोई कठ नहीं करते सिर्फ सारे जिले तो 11 सिंह जिथे मोर्चा लगूगा उठे तुसी ग्रंथ साहब के दर्शन करने आ जा करो। शाम को तुहाडी रवानगी होगी अगले दिन फिर सिर्फ 11 सिंह उन्होंने बीबिया भी शामिल होनगिया। एक साडी पार्टी तो उतो ज्यादा नहीं मंग रही साड़ी अंतरा सवाल है असी सिखां दे बच्चे जमे हैं शेरां दे बच्चे हैं साडे नाम दे थले सिंह रहिंदा सिंह दा मतलब है शेर ते आओ हुण गजिए तकड़े हो के आखरी बार इस सरकार नूं दसीए कि असी दसां गुरुआं दे गुरु ग्रंथ साहिब दे बच्चे हैं इन्हां दे हुक्म दे उत्ते चलते हुए असी अपने हक लेणी है। इन्हां शब्दां तों आप तों इजाजत मंगदा है फतेह अर्ज करदा है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरकार ने उत्थे कंडे वालियां तारां ला लैणियां संगतां नूं पहुंचण दी अपील करदे कि उत्थे खल ना होया। हां मैं करता दित्ती इक वारी शुरू होणी है कि वोटां आ गया मोर्चा फेर लग जाणा है कोई चर्चा कर लो पर असीं अपने वायदे ते रहांगे और अपने हक पूरे लेके मोर्चा चुकिया नहीं जाएगा सारे आउणगे जी लावांगे पहली तरीक नूं जे हुकूमत ने बादल सैनी सुखबीर ते बाकियां नूं बेअदबी दे मामले दे विच छेती तो छेती गिरफ्तार ना कीता। जिहड़ी SIT है उन्हां दे कोले 161 दे बयान सारे गवाहां दे हैगे है दोबारा लैण दी लोड़ नहीं है। जे हुकूमत चाहूगी 4-5 दिनां च चलान अदालत विच पेश हो के इन्हां सारयां नूं गिरफ्तार कर सकदी है। शहीद करता है जे 30 दिनां दे अंदर अंदर फैसला ना कीता तो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर हुण आखरी मोर्चा लाऊगी 1 जून नूं 1 जुलाई नूं मोर्चे जी होने 1947 के 60 के सरत जरनैल सिंह भिंडरांवाले वर्गा मोर्चा बिल्कुल जो टुट नहीं सकूगा। साडी मंग है कि बादल शादल सेड़ी सुखबीर सिंह इन्हां की गिरफ्तारी होवे और इन्हां नूं हुकूमत सिख कौम दे अगे हाजर करे। असीं इहदे वचनबद्ध हैं ते अपना वचन पुरजावांगे ते तुहाडा मैनूं साथ चाहीदा है। कोविड की बीमारी है असीं कोई कठ नहीं करदे सिर्फ सारे जिले तों 11 सिंह
जिथे मोर्चा लगूगा उथे ग्रंथ साहब के दर्शन करने आ जा करो। शाम रवानगी होगी। अगले दिन फिर सिर्फ 11 सिंह उन्होंने बीबिया भी शामिल होगा। ये साड़ी पार्टी तो उतो ज्यादा नहीं मंग रही। साड़ी अंत का सवाल है। असी सिखा के बच्चे जमे हैं, शेरां के बच्चे हैं। साडे नाम के थले सिंह लगता है। सिंह का मतलब है शेर। ते आओ हुण गजिए तकड़े हो गए। आखिरी बार इस सरकार नूं दसीए कि असी दसा गुरुआं दे गुरु ग्रंथ साहिब दे बच्चे हैं। इन्हां दे हुक्म दे उत्ते चलते हुए असी अपने हक लेणी है। इन्हां शब्दां तों आप तों इजाजत मंगदा है। फतेह अर्ज करदा है। सरकार ने उत्थे कंडे वालियां तारां ला लेणियां। संगतां नूं पहुंचण दी अपील करदे जे उत्थे हल ना होया। हां हां मैं करता दित्ती इक वारी। शुरू होणियां कि वोटां आ गया मोर्चा फिर लग जाणा है। कोई चर्चा कर लो पर असीं अपने वादे ते रहांगे और अपने हक पूरे लेके सारे आउणगे जी। लावांगे पहली तरीक नूं जे हुकूमत ने बादल सैनी सुखबीर ते बाकियां नूं बेअदबी दे मामले दे विच छेती तो छेती गिरफ्तार ना कीता। जिहड़ी SIT है उन्हां दे कोले 161 दे बयान सारे गवाहां दे हैगे है। दोबारा लैण दी लोड़ नहीं है। जे हुकूमत चाहूगी 4-5 दिनां च चलान अदालत विच पेश हो के इन्हां सारयां नूं गिरफ्तार कर सकदी है। शहीद गलत है। जे 30 दिनां दे अंदर अंदर फैसला ना कीता तां श्रोमणी अकाली दल अमृतसर हुण आखरी मोर्चा लाऊगी 1 जून नूं 1 जुलाई नूं। ਇਹ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਣੇ 1947 ਦੇ 66 ਦੇ ਇਹ ਸਰਦ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਲਨ ਸੈਣੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਚਨਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 11-11 ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 11 ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਜੀਏ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।